बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे दोस्तों, वज़न कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करना, अगर आप हैं इन में से किसी भी बीमारी के अंदर मुबतला हैं तो आपको किसी तबीब और हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बावर्ची खाने में चला जाएं और वहाँ से ये चंद अशिया जो अल्लाह की नियामतों में से हैं उन्हें लेकर आप साफ करके बना के रख लें। आप जब 3 से 4 हफ्ता तक इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़्यादा वज़न जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा। आपने ये करना है कि मीठा सोडा, सोडा बाइकार्ब आपने 100 ग्राम लेना है। अजवाइन लेनी है, लेकिन अजवाइन आपने देसी वाली लेनी है 100 ग्राम। सूंड, सौंठ, खुश्क अदरक जो होती है वो 100 ग्राम आपने लेनी है। सौंफ आपने 100 ग्राम लेना है और जीरा आपने 100 ग्राम लेना है। ये आप 50-50 ग्राम ट्राई के तौर पे बना के देख लें। कम भी और ज़्यादा मिकदार के अंदर भी आप बना सकते हो। तो आप सारी चीज़ों को ले लें और सारी चीज़ों को लेकर आपने इन्हें साफ करना है। इनमें कचरा भी होगा, कुछ मिट्टी भी लगी होगी, लेकिन आपने अच्छी तरह साफ करना है। बाजार से लेके वहाँ से आपने पिसाई नहीं करवानी, वो साफ सुथरा माल नहीं बेचते, आपने घर के अंदर लाकर साफ करना है। तो ये सारी चीज़ों को आपने ग्राइंडर कर लेना है और ग्राइंडर करने के बाद आपने जब 5 ग्राम सुबह दोपहर शाम खाने के आधा घंटा बाद जब ले लें छोटी चम्मच 5 ग्राम, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3-4 हफ्ते आपके लगेंगे, लेकिन आपका वज़न, कोलेस्ट्रॉल या वो ब्लड प्रेशर, ये सारे के सारे जब वो ठीक हो जाएंगे। घरों के अंदर जो बुज़ुर्ग हजरात, जो बीबियां घरों के अंदर हैं, वो सुबह नाश्ता से पहले किसी भी हालत के अंदर बैठकर ये जो आपकी छोटी से 7 वाली उंगलियां हैं, ये अंगूठे के बिल्कुल नीचे लगाना, ये आपने, और ये आपने ये इनको दबाना है। कम से कम आपने जब 10 मिनट इनको दबाना है, लेकिन ये उंगलियां जब टाइट रहेंगी, ऐसे नहीं होंगी, ये उंगलियां ऐसे टाइट होंगी। 10 मिनट आप ये सुबह कर लो और उसके बाद जब आप 1 घंटा के बाद, आधा घंटा के बाद नाश्ता कर लें, तो इस वर्जिश की वजह से और है, ये जो चीज़ होती है ये हमारी अंतड़ियों को साफ करने के लिए होती है। इस पे भी आप मेहनत करो, 5-10 मिनट जब आप इसको दबा लोगे, वो पाउडर तो आपने 5 ग्राम जब वो सुबह दोपहर शाम लेना है, लेकिन इनको खाने से पहले ये छोटी उंगली के नीचे जो उबार होता है दोनों हाथों का, आप इसे कर लें और फिर ये छोटी से 7 वाली उंगली अंगूठे के नीचे रख के आप इसे दबा लें। आप देखोगे कि अल्लाह जल्ला जलालो अमन वालों ने हमारे हाथ की उंगलियों के अंदर कितनी तासीर रखी है। जो बीमारियां बड़ी बड़ी दवाइयों से और साल हाँ साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इससे इंशाअल्लाह लजीजा वो आपको फ़र्क पड़ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत और मशक्क़त तो आपको करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ आप ये कोशिश करो कि पराठा, पिज़्ज़ा, बर्गर, चावल, बिरयानी, इसे परहेज करोगे। इधर से दवाई खाई, इधर से वर्जिश की,
और इधर से बात बरीजी कर ले, इससे कमा हक को फायदा तो पहुंचेगा, लेकिन जितना फायदा पहुंचना चाहिए इतना फायदा नहीं पहुंचेगा। तो आप जरा परहेज भी कर लो तो फिर इंशाल्लाह लजीज है, आप देखोगे कि एक महीना के ज्यादा से ज्यादा एक महीना के इस्तेमाल से आप पहले अपना वजन करवा लें और एक महीना ये वर्जिश और इन अशिया के इस्तेमाल के बाद अपना वजन करवा के देख लेना, हल्का फुल्का आपका वजन हो जाएगा, वजन कंट्रोल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इन जब सस्ती अशिया को ज़रूर इस्तेमाल करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, बेल आइकन को दबा दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। असल बात यह है कि मुझे अपनी दुआ में याद रखना, अल्लाह जल्ला जलालहू व अमन वालो मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत पर रहम फरमाए। अल्लाह हमें वबाओं से बीमारियों से महफूज रखे, अल्लाह शरीरों की शरारत से हाथों के हसद से कमीनों की कमीनगी से हमें महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।